दोस्तों वेलकम बैक माय चैनल। हम बात कर रहे हैं काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। आज इसका हम देखेंगे लाइव अलॉटमेंट स्टेटस की स्टेटस किस तरह चेक करते हैं, और स्टेटस चेक करने के बाद अलॉटमेंट मिला नहीं मिला उसके बाद क्या करना चाहिए, सारी बातें सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कहूँगा जो नए व्यूअर आए हैं चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बड़ी दबाओ ताकि नई नई वीडियोज़ नई नई नॉलेज मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। चलो देखते हैं काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का आईपीओ का लाइव अलॉटमेंट स्टेटस। हेलो दोस्तों वेलकम बैक माय चैनल। हम बात करें काइंस टेक्नोलॉजी के अलॉटमेंट के बारे में। देखा जाए तो ये आईपीओ 10 नवंबर को आया था और 14 नवंबर को क्लोज हो गया था। आईपीओ जो साइज़ रखी गई थी 857 करोड़ का ये आईपीओ था। बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये थी। आईपीओ प्राइस जो थी 587 रुपये थी और एक लॉट के अंदर मिनिमम रिटेल के लिए 25 शेयर्स रखे गए थे और ये बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगी। देख लेना ये कहाँ लिस्ट हो रही है, एनएससी बीएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट हो रही है, क्योंकि ये मेन बोर्ड आईपीओ है। और इसके अंदर देख लेते हैं क्या हुआ है क्या नहीं, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कहूँगा जो नए व्यूवर आए हैं चैनल को देख रहे हैं चैनल को लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ और बेल आइकन भी बढ़ रही दबा दो। फिलहाल देखते हैं ये आईपीओ का आज फाइनलाइज देखा जाए तो आज है 17 नवंबर 2022, आज इसका अलॉटमेंट का दिन है। इसके बाद ये 22 नवंबर को स्टॉक मार्केट पर ये लिस्ट हो जाएगा। फिलहाल देख लेते हैं इसका सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा है और अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं वो भी हम चेक करेंगे। हम बात करें काइंस टेक्नोलॉजी की सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखा जाए तो 10 तारीख को आया था, 14 को क्लोज हो गया था और आईपीओ प्राइस थी 587 रुपया। फिलहाल लाइव सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल देखा जाए तो 98.47 टाइम्स इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आया हुआ है, ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन आया हुआ था क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल का। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर की बात करते तो 21 टाइम्स आया था, जो अबव 10 लाख थे वो 23 टाइम्स आया था और जो बिलो 10 लाख थे वो 17 टाइम्स आया हुआ था। और हम बात कर रहे हैं अपनी यानी रिटेल इन्वेस्टर की, देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर कुछ खासा दिखाया नहीं अपना रुझान, क्योंकि इसके अंदर 4 टाइम्स ही आया। और इंप्लाइज कोटा भी रखा गया तो देखा जाए तो इंप्लाइज कोटा करीब करीब देखा जाए तो 11.92 है, करीब करीब 12 टाइम्स इसके अंदर इंप्लाइज कोटा भी सब्सक्राइब हुआ है। फिलहाल देखते हैं ओवरऑल एन आईपीओ के बारे में बात करते हो 34 टाइम्स इसके अंदर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। और फिलहाल देख लेते हैं डे बाय डे के बारे में, तो डे बाय डे देखते तो फर्स्ट डे आया था 0.23 टाइम्स, सेकंड डे आया था 1.1 टाइम्स और लास्ट डे यानी आखिरी दिन की बात करते हैं जिस दिन आईपीओ क्लोज होने वाला था यानी आखिरी दिन 14 नवंबर 2022, तो 34 टाइम्स इसके अंदर हमको देखने को मिला। फिलहाल देख लेते हैं एक नज़र कंपनी के बारे में और उसके बाद देखेंगे आईपीओ का अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं, क्योंकि इस अलॉटमेंट का दिन है और अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं, अलॉटमेंट किसको मिला नहीं मिला सारी बातें हम देखते हैं आगे। हम बात करें काइंस टेक्नोलॉजी के बारे में, देखते हैं देखा जाए तो कंपनी की शुरुआत 2008 में हुई थी और काइंस टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइड करती है लीडिंग एंड टू एंड एन आईओटी सॉल्यूशन एनेबल टू इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर कंपनी। द कंपनी प्रोवाइड कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन प्रोसेसेस इंजीनियरिंग इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लाइफ साइकिल सपोर्ट एंड मेजर प्लेयर इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, एरोस्पेस, डिफेंस, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवे, इंटरनेट एंड आईटी इंफॉर्मेशन यानी आईटी के अंदर प्रोवाइड करती है। और कंपनी का देखा जाए तो बहुत सारे इसके अंदर इसका डिज़ाइन है, फिलहाल इसके बारे में बाद में बात करते हैं। लास्ट वीडियो में ब्रीफली मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसे आप जाके देख भी सकते हैं। फिलहाल हम देख लेते हैं इसका फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं। जो करोड़ में दिया गया 2020 में 9 करोड़ का प्रॉफिट था, 2021 में 9 करोड़ का प्रॉफिट था और 2022 के अंदर देखा जाए तो 41 करोड़ का प्रॉफिट था और जून 2022 के अंदर देखा जाए तो 10 करोड़ का प्रॉफिट था। इशू लाने का मकसद यही है, जो उनका वर्किंग का कैपिटल रिक्वायरमेंट है और जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ के लिए ये आईपीओ चाहिए इनको। और डिटेल काइंस टेक्नोलॉजी आईपीओ का डिटेल में बात करते हैं, 10 नवंबर को ये आया था, 14 को क्लोज हो गया था। आईपीओ प्राइस जो रखी गई थी 559 से 587 के बीच में रखी गई थी, 10 रुपया फेस वैल्यू था और रिटेल के लिए लॉट के अंदर एक लॉट के अंदर 25 शेयर्स रखे गए थे। फिलहाल आईपीओ साइज़ के बारे में बात करते हैं तो 857 करोड़ का आईपीओ था ये, जिसमें फ्रेश इशू की बात करते हैं तो 530 करोड़ का फ्रेश इशू था और 327 करोड़ 82 लाख का इसके अंदर ऑफर फॉर सेल था। और आईपीओ जो लिस्ट होता है बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। कोटे के बारे में बात करते हैं, क्यूआईबी के लिए 50% रखा गया था, एशनाइस के लिए 15% रखा गया था और रिटेल के बारे में बात करते हैं रिटेल 35% इसके अंदर रखा गया था। टेंटेटिव टाइम टेबल और डेट के बारे में बात करते हैं तो 10 नवंबर को आया था, 14 नवंबर को क्लोज हो गया था, आज इसका अलॉटमेंट का दिन है। बेसिक अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं और कहाँ चेक करते हैं इस अलावा वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर लो। और फिलहाल इसके अंदर रिफंड की बात करते हो, कल उसका रिफंड आएगा, रिफंड आने में एक दो दिन लेट भी होता है, लिस्टिंग तक भी रिफंड आता है और लिस्टिंग के एक दो दिन बाद भी आता है, उसके बाद नहीं आता तो बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डीमैट अकाउंट में 21 तारीख को आ जाएगा और स्टॉक मार्केट पर यह लिस्ट 22 तारीख को हो जाएगा, क्योंकि 22 तारीख को ट्यूसडे का दिन है। और लॉट साइज के बारे में बात करते हैं तो मिनिमम एक लॉट में 25 शेयर्स रखे गए थे और मैक्सिमम 300
25 शेयर्स रखे गए थे और लॉट 13 लॉट होंगे, जो टोटल अमाउंट होंगे 1,90,775। और प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बात करते हैं, 79% इसमें होल्डिंग प्रोमोटर्स की थी, लेकिन अब इसमें होल्डिंग हो जाएगी 67.39% उसमें होल्डिंग हो जाएगी। फिलहाल देख लेते हैं इसका GMP वगैरह क्या चल रहा है, वो भी देख लेते हैं। दोस्तों वेलकम बैक माई चैनल, हम बात कर रहे हैं IPO के अलॉटमेंट के बारे में। फिलहाल देख लेते हैं अलॉटमेंट जो काइंस टेक्नोलॉजी का आया हुआ है, वो लिंक इन साइट के ऊपर हम जाके चेक कर सकते हैं, एकदम सिंपल और ईजी है। पब्लिक इशू पे क्लिक करने के बाद एक नया टैब ओपन होगा, इसमें ओपन होने के बाद ये कंपनी की रजिस्टर लिंक इन टाइम है काइंस टेक्नोलॉजी के, जो वेबसाइट पे हम चेक कर सकते हैं रजिस्टर है लिंक इन टाइम। उसके बाद आने के बाद यहाँ चेक करेंगे, जैसे आरशिन का आया हुआ है, बीकाजी का आया है, फूड का आया हुआ है और फ्यूजन का भी आया हुआ है, ये सारे IPO आ चुके हैं। लेकिन आज काइंस टेक्नोलॉजी का अलॉटमेंट का दिन है, तो सबसे बेहतर जो है सरल तरीका है वो पेन नंबर है। पेन नंबर जो भी पेन नंबर जिसका जितना भी हो, जो भी जैसा भी हो, इंटर करने के बाद डायरेक्ट इंटर करेंगे, अगर आपको मिला होगा तो IPO आ जाएगा, नहीं मिला होगा तो नॉट फाउंड लिख कर आएगा। और दूसरा तरीका है एप्लीकेशन नंबर, जब भी हम IPO की एप्लीकेशन देते हैं तो हमको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, वो एप्लीकेशन नंबर से भी चेक कर सकते हैं। दूसरा DP ID क्या होता है, जो हमारे पास जो अकाउंट है जैसे ज़ीरोधा का है, उसका भी DP ID है, उससे भी चेक कर सकते हैं और उससे और अकाउंट नंबर से भी चेक करते हैं। जैसे हम अजबा के थ्रू अगर करते हैं तो हम अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड वगैरह से भी, जो बैंक का IFSC कोड रहता है, बैंक का अकाउंट नंबर रहता है, उससे भी चेक होता है। लेकिन सबसे बेहतर और सबसे सरल तरीका जो माना जाता है वो पैन कार्ड का है। पेन नंबर सबका डिफरेंट रहता है और पेन नंबर इजीली रहता है, इजीली चेक हो जाता है और याद भी रहता है और पेन नंबर हमारे पास भी रहता है, तो इसलिए पेन नंबर सबसे इजी और सबसे सरल तरीका है। फिलहाल देखते हैं अगर लिंक इन टाइम के ऊपर इस शाम तक अपडेट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर आया हुआ नहीं है काइंस टेक्नोलॉजी का। जैसा भी रुझान रहा मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन के बटन दबाओ ताकि नई नई वीडियोज़ नई नई नॉलेज मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। ओके, थैंक यू। हम बात करें काइंस टेक्नोलॉजी के GMP के बारे में, जो 10 तारीख को आया, 14 को क्लोज हो गया। स्टार्ट में कुछ खास रुझान दिखा नहीं, देखा जाए तो करीब करीब 13% से 20% के बीच में ही चल रहा था, करीब करीब, यानी ये कह सकते हैं 10 से 20% के बीच में चल रहा था। लेकिन 14 तारीख यानी आखिरी दिन करीब करीब देखा 23% प्रीमियम पे चला गया, उसके बाद थोड़ा गिरावट देखने को मिली। फिलहाल आज है 16 नवंबर के दिन ये चला गया 21 तारीख को, आज है 17 नवंबर प्रीमियम IPO का अलॉटमेंट का दिन, देखते हैं इसके अंदर क्या रुझान रहता है। उससे पहले आपको बता दूं प्रीमियम पे अगर ये 21% पे भी चल रहा है तो देखते हैं ये जब ये लिस्ट होगा स्टॉक मार्केट में 22 तारीख के दिन, तो 21 तारीख के वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि इसके अंदर कितना प्रीमियम गेन हो सकता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा दो ताकि नई नई वीडियोज़ नई नॉलेज मैं आपके लिए लेके आता रहूँ।